अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो जिस इस गेम की मैं भाई इतनी डिमांड्स आई है ना कि बस मत पूछो। लेकिन मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, 2023 का गेम है और मैं एंड में खेल रहा हूँ भाई 2024 के। क्या ही कर सकते हैं, बहुत सस्ता आदमी है हम। खैर ज़्यादा बातें मत करेंगे और गेम को खेलेंगे और देखूंगा। मैं भी भाई पहली बार ही खेल रहा हूँ, सच्ची बताऊँ मैं तुम लोग तो जितने भी गेम्स खेलता हूँ ना मैं पहली बार ही ट्राई करता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता अब गेम खेलने का। जो तुम लोग मांगते हो ना मैं उसी में ही सारा टाइम लगा देता हूँ, GTA। खैर हम लोग न्यू गेम करते हैं और देख लो कंटिन्यू भी नहीं है भाई, डायरेक्ट न्यू गेम हुआ, कार फॉर सेल सिमुलेटर बाय ड्राइव सेल। देखते हैं कैसा गेम है, जितनी डिमांड आई है ना उतना मज़े का हुआ ना तो फिर पप्पी है सबको। ओके तो ये आसमान Welcome to Car Simulator for Sale 2023. ये ताना ही मारता रहेगा, 2024 में खेल रहा मैं, 2023 का गेम मैं इतना लेट लतीफ कैसे हो सकता हूँ। खैर हम लोगों ने क्या करना है, वाइल स्टार्टिंग पिकअप द सारा ट्रैश हमने जो है वो पिक करना है। और ये क्या है ये, अच्छा इसमें थ्रो कर दिया हमने और उसके बाद ये लकड़ियाँ भी निकालनी ही होंगी। ये अपना बड़ा घटिया सा शोरूम है लेकिन कोई नहीं, पैसे जमा करके इसको एक बड़ा सा शोरूम बना ही लेंगे, होंडा वोंडा को टक्कर देंगे, होंडा टोयोटा। वही ये गाड़ी भी कचरा ही थी, बड़ी बात है। खैर यहाँ से ये सारा कूड़ा करकट तो हमने उठा लिया और यहाँ पे इसको फेंक दिया है। ओके यू नीड टू नेम बिजनेस टू चेंज नेम। ओके हमें अब जो है शोरूम का नाम चेंज करना है, कार फॉर सेल ये कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, ऑफिस एडिटिंग मोड पीसी किधर है, ये रहा पीसी ऑफिस एडिट मोड और ये सब फलाना ढिमकाना इसको स्किप करते हैं। खैर साइन एडिट करना है हमने और साइन क्या रखे हम लोग, सैलानी तो रख नहीं सकते, क्या रखें हम लोग, क्या रखें हम लोग, चीप कार्स नो, शेडो शोरूम नो, बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं सैयद हूँ और सैयद नो, क्या नाम रखें कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर हम लोग लग देते हैं अभी शेडो और अपना नाम ही लिख देते हैं इस चैनल का, भाई YT। ओके तो इसको रेड कलर में हम लोग करते हैं क्योंकि अपने चैनल की थीम जो है वो रेड है। साइज भी इसका भाई ये डी और वो मिल क्यों रहा है, ये बग है यार, अजीब कोई अजीब लग रहा है। खैर ये सही है और इसको ऐसे करूं अगर मैं तो बस इतना सही है बॉस। अपडेट करते हैं और $10 हमारे कटेंगे। अभी हमारे पास जो है 7,490 रुपये हैं जिसमें हमें शायद और भी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ पर वॉल्स वगैरह भी हम चेक कर लेते हैं, विंडोज़ 500 बाद में देखें। खैर ये तो हमने कर लिया, लेट्स ओपन योर ऑफिस, द ऑफिस मस्ट बी ओपन फॉर योर कस्टमर टू कम, यू कैन ओपन एंड क्लोज द ऑफिस फ्रॉम द नाइट टाइम एंड फ्रंट ऑफ द ऑफिस इंफॉर्मेशन, कस्टमर अराइव बिटवीन 7 AM एंड 8 PM। तो हम लोगों को करना क्या है मेरे भाई, तो सबसे पहले हमें करना क्या है ये तो बताओ, ओपन करना है भाई। ओपन होगा किधर से, ये कहाँ लिखा हुआ ओपन, ओपन ही तो, अच्छा यहाँ से, ओके सॉरी ओपन हो गया। यू हैव कम्प्लीट, यू कैन यूज अ बस स्टॉप, बस स्टॉप किधर है ये बस, ओ बस आ रही है, वो क्या है वो टो ट्रक खड़ा हुआ भाई। खैर ट्रैवल द नियरेस्ट स्टॉप इज जस्ट आउटसाइड ऑफ द ऑफिस। ओके ई ट्रैवल, हमने कहाँ जाना है, नेबरहुड टू बाय अ कार, हमें कार मार्केट भी है नेबरहुड से, हमें गाड़ियाँ खरीदें मतलब जो पड़ोसी लोग बेचते होंगे वो, और गाड़ियों का मार्केट भी है, गैस स्टेशन भी है, रेड बार, टेक अ ब्रेक एंड प्ले गेम्स। ओके Add fuel to your cars or get them washed. Okay, for now this is your resting place. ये हमारा कोई घर वार होगा। खैर हम लोगों को जाना है नेबरहुड, तो हम लोग नेबरहुड ट्रेवल करते हैं और ये हम लोग आ चुके हैं नेबरहुड पर। और ओ भाई क्या कह रहे हो, ये तो मेरे मतलब की गाड़ी है कुछ ज़्यादा, ये ऑल व्हील कैम्बर करी है लौंडे ने। खैर ये फिर पैसे इसी तरह मांगेगा जिस तरह हम मांगते हैं। यू कैन सी ऑल द डिटेल्स ऑफ द कार, ओके ये सब तो हम चेक कर ही लेंगे। खैर किलोमीटर 1,00,000 चली हुई है, 2013 का मॉडल है, गियर मैनुअल है, प्राइस नहीं बताया हुआ है इनके। और खैर दिस कार विल मेक योर लाइफ ईजियर एंड मोर इन्जॉयबल। कद्दू ये गाड़ी है, मुझसे पूछो भाई किस तरह और कैसे चलती है, हमसे पूछो सड़कें इस गाड़ी को चलने नहीं देती हैं। 23,000 भाई ये तो बहुत महंगी है। खैर हम लोग कहीं, अबे यही सेम गाड़ी देखो सामने खड़ी हुई है लेकिन वो स्टॉक में, अब ये स्टॉक के कितने पैसे मांग रहे हैं ये पूछते हैं। अबे गंदी गली सड़ी भाई, इस पर जो डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा। खैर पैसे पूछता हूँ इनसे, देयर इज अ TCS इन माय कार। अच्छा ये डिलीवरी 39,000, इससे अच्छा मैं बनी भी ना ले लूँ। $40,000 मांग रहा है भाई ये,
खैर हम लोग कहीं और ट्रक भी बेचते हैं। ओ ट्रक में तो अलॉय व्हील्स चले हुए। और यहाँ से ऑडी भाई, कोई सस्ती गाड़ी नहीं है क्या? सस्ती गाड़ी बताओ भाई को कोई। 32 ऑलमोस्ट 33,000। भाई भाई मुझे ना ये सामने वाली गाड़ी कुछ ज़्यादा ही चीप लग रही है। और ये कौन सी है? ये वो पुरानी वाली वो है, क्या कहते हैं इस गाड़ी का नाम, डाटसन थी ये। खैर मैं इसके बड़ी गंदी हालत में, मैं इसके रेट पूछूं क्योंकि अपने पास जितने पैसे हैं और मार्केट के हिसाब से 1,873। अगर ऐसी गाड़ियाँ मिल जाए तो मैं 3-4 ले सकता हूँ और मैं इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ। हम बार्गेन कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी सेट द प्राइस फॉर दिस कार एट अ रीजनेबल लेवल, सो आई डोंट वांट टू निगोशिएट। ओके अगर हम ये बाय, ये भाई किलोमीटर 107 1970 ऑटोमेटिक गाड़ी बॉस, मैं कह रहा हूँ कि ये ले लेते हैं 3-4 गाड़ियाँ। खैर इसको हम ऑप्शन में रखते हैं इस गाड़ी को। मैं इसको चेक वेक नहीं कर सकता, दरवाजे वगैरह नहीं खोल सकता। खैर सामने वाली गाड़ी भी देखते हैं और इसके भी रेट देखते हैं। ये मुझे कौन सी, इस पे तो भाई कराची की नंबर। ओए ये क्या गली हुई है। मैनुअल 2006 91,000 किलोमीटर 7,890 अपनी रेंज से बाहर है। खैर और अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ये ओह निसान सिल्विया खड़ी हुई है बॉस, JDM गाड़ी है। खैर किसी को तंज नहीं है। 10,000, ओह मुझे वो छोटी गाड़ियाँ ही लेनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। तो इससे पूछते हैं ऑडी कितने की दे रही है भाई जी। 15,000, आगे बढ़ते रहो, पैसे बढ़ते जा रहे हैं, नीचे तो आ ही नहीं रहे हैं। भाई कुछ कमी पेशी कर लो, लाइफ की पहली गाड़ी लेने जा रहा हूँ शौक के लिए। वो सामने एक और छोटी गाड़ी खड़ी हुई, मुझे आई थिंक मिनी कूपर लग रही है। ये तीनों गाड़ियाँ एक जैसी जा रही हैं। ये गाड़ी है साली एलियन है, माँ की आँख। खैर और बस गाड़ी के कितने रेट बोले हैं यार तेरी। भाई गाड़ियाँ बेच रहे हो, क्या कर रहे हो? ओ एक और ये पुराने ज़माने की गाड़ी खड़ी हुई है, इसको पूछता हूँ। लेकिन गाड़ी तो ये बहुत साफ सुथरी है। बस गाड़ी कितने की है बस? सो क्या हो गया है यार, मुझे गाड़ी ढूंढने में बड़ा मसला हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ वो छोटी वाली ले लूँ तो क्या ही बात है, मुझे और आगे गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा आंटी जी आप पीछे भी बैठी हुई थी, ये तो आसमान से आ रही है, 40,000 मांग रही है, थाटरा के लात मारो इस पे। भाई और गाड़ी है मुझे ख्याल से नहीं है। मेरे बजट में वो दो गाड़ियाँ आई हैं और एक वो पुरानी वाली जो जिसके अराउंड 1800 समथिंग थे और जिसके 7,000 कुछ थे। लेकिन नहीं, 7,000 वाली भी अपने बजट में नहीं थी क्योंकि अपने पास जो है 7,480 रुपये हैं और वो 7,800 कुछ मांग रहा था। ये गाड़ी मुझे बड़ी टाइट लग रही है। खैर अपन भी ऐसी बनाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। अपन वो पुरानी वाली गाड़ी ऑप्शन में लेते हैं और उसको बेचते हैं, देखते हैं उसमें क्या प्रॉफिट बनता है अपना। मस्त है भाई। खैर तो इससे डील क्रैक करते हैं। और बाजी आपकी गाड़ी देखो, पैसे नहीं बदलना अभी, जितने बोले थे। हाँ ये देखो $1,873। तो लुक कार करते हैं, अगर हम गाड़ी को देखें बस, ये तो मैं ऐसे ही देख लेता। बाय करते हैं और हियर द की, ऑल द डॉक्यूमेंट, एंजॉय ड्राइविंग इट। ओके इंटर। और क्या कर, स्टार्ट कैसे होगी? अच्छा मैं जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं यहाँ पर ये नहीं देख रहा। आई से स्टार्ट हुई है छः। और ये गाड़ी भाई आवाज़ वगैरह नहीं है किसकी? अबे सुन गाड़ी है यार ये तो। अब गाड़ी की आवाज़ बढ़ गई है क्योंकि हमने गेम की आवाज़ बढ़ा दी है। चल भाई अच्छा हमें किधर जाना है? To be able to sell your car, you need to park in the office near car park. You need to head to your computer, click on the website and put it on sale. लेकिन अपना ऑफिस किधर है? अच्छा ये दिखा रहा है हमें। गाड़ी तो मस्त चल रही है। ओए दो दो कैमरे भाई अंदर का क्या? ओए भाई किधर जा रही है? ओके ओए नोज भी है इसमें, इसमें नहीं है। हॉर्न और चलता है जी, चलता है, हॉर्न भी चलता है। हैजर्ड और हैजर्ड भी वर्किंग में, घास से लेके जाएंगे टेस्ट। अबे ओ और धुआं निकल रहा इंजन से भाई, इंजन से धुआं निकल रहा है गाड़ी के को तो देख, चला कितने मजे जरा इसकी माँ की आँख गर्दन टेढ़ी करके ताला काशिर किंग कहीं का। खैर अपन, मैं इसको कच्चे में ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ थाटरा की, इसके तो इंजन से धुआं निकल गया था। और अबे अपने शोरूम के पीछे जंकयार्ड है, हम गाड़ियाँ क्यों ढूंढते फिर रहे हैं? फिर हम तो ये बना सकते हैं यहाँ से उठाकर। खैर चलने में तो सही है यार जैसी इसकी स्पीड है। और ये आ गए हैं अपन। ओए रोको, हैंड ब्रेक लग। अब सही है। खैर
हमें कहाँ जाना है, हमें पीसी पे जाना है और हमें जो है वेब पेज जाना है, आई थिंक कार फॉर सेल पे जाना है। हमारे पास ये है पीजोट 507 क्लासिक, हमें इसको करना क्या है, हमें इसकी पिक्चर्स लगानी है, पिक्चर्स तो हमारे पास इसकी है ही नहीं, पुट इट ऑन सेल कर देते हैं। अबे लेकिन पैसे तो भाई, यू कैन ओपन स्किल फॉर कार सेल प्राइस फंड, पैसे मैंने रखे ही नहीं है इसके, अपनी मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से पैसे नहीं रख सकता इसके, क्या ऐसा हो नहीं सकता है वैसे, अजीब बात है। खैर मैं देखूं, ओ तीन तीन कस्टमर आ गए जी बाजी, बाजी ये इसमें बंडे हैं इफ यू हैं, अबे रुक जाओ, ये $0 आ रहा है, जब तो तीन तीन कस्टमर आ गए, एक मिनट रुको भाई, ये सेट कहाँ से होंगे इसके प्राइस। हेलो बॉस, अबे बाय प्राइस 1873 है भाई, मुझे इसके प्राइस कहाँ से करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा बॉस मेरे को, मैं इसके प्राइस कहाँ से सेट करूँ, पिक्चर्स भी नहीं आ रही हैं, ABS भी है भाई गाड़ी में, वाओ। हेलो बॉस, ओके तो हुआ कुछ यूँ था भाई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या। खैर वो स्टार्टिंग का ट्यूटोरियल था हमें वो बताने के लिए कि प्राइस उस पर सेट नहीं होता। खैर मैं नेबरहुड गया, मैंने अगेन एक गाड़ी परचेज करी और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ गाड़ी को लेकर, और ये मुझे गाड़ी मिली है 2100 और समथिंग कुछ डॉलर की, और अभी मेरे पास अराउंड $3000 हैं अगर एक हम राउंड फिगर रखें। और यहाँ पर भाई ये कचरा कचरा उठ यहाँ से उठ, कचरा नहीं होना चाहिए मेरे शोरूम के बाहर, कचरा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। 1 XP मिल गई, ये देखो कचरे समेटेंगे हमें XP मिलेंगी, और अब इस गाड़ी पे हम लोग कुछ खर्चा भी कर सकते हैं आई थिंक। तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं सबसे पहले इस गाड़ी को रिपेयर करा लूँ, और सी पैनल अगर हम इसका देखें तो ये मैनुअल है, ओके वो वाली हमारी ऑटोमेटिक थी अगर आप लोगों को याद हो, मॉडल सेम है और ये चली हुई भी ज़्यादा, वो 1,01,000 चली हुई थी, और डर्टी हो रही है, पेंट इसका 23% है, डैमेज 14 है। तो चलो हम लोग इसको सबसे पहले जो है रिपेयर शॉप पर लेकर चलते हैं, और उसके बाद जो है वो सामने खड़ी है हमारी गाड़ी, और यहाँ पर फिर हम लोग इसको रिपेयर करते हैं भाई, ट्यूनिंग व्यूनिंग भी होती है, फुल कैम्बड़ शैम्बड़ कर लो भाई, कारीगर लगे पड़े हैं। खैर बॉस हमारी गाड़ी ठीक करनी, $140 कह रहा ओके हो जाएगी, ओके बॉस करो आप काम शुरू करो जल्दी से, देखूँ मैं सामने काम करवाऊँगा बिल्कुल। भाई इसके नीचे तो चादर ले, ओ पाना किधर घुस रहा है, चादर लगी पड़ी है गाड़ी के नीचे इसमें, अबे ये गाड़ी कहाँ गई, बहुत फास्ट वर्क कर, अच्छा कस्टमर भी इतना तेज गाड़ी ले गया। खैर हमारी गाड़ी रिपेयर हो रही है, जब तक हम लोग ये पेंट शॉप है, हम लोग यहाँ से इस पर कलर भी कराएंगे, थोड़ी बहुत चेंजेस कराएंगे, उसके बाद देखूंगा मैं इस पर कि कितने की जाती है। हमने 2100 समथिंग को एक हम राउंड फिगर रखते कि हमने $2100 की ली थी, और रिम तो गाड़ी पर अच्छे ही लगे हैं बॉस, मैंने बैठना है इसमें और मैं इसको चला के लेके जाऊँ। गाड़ी चलती है, ये वाली गाड़ी भाग रही है भाई, बोले हाथ देख रहा है लौंटे का, कहते भरम में ने गर्दन क्यों टेढ़ी रखी हुई है भाई। चलो भाई ओए रुक तेरी तो, बॉस कलर करनी है बॉस, अच्छा हम इस पे पॉलिश भी होती है, वाह लेकिन पॉलिश तो जब भी अच्छी लगेगी ना, जब गाड़ी का कलर फैक्ट्री कलर का ग्रे ही आया, तो हम इस पे करेंगे रेड कलर, लेकिन ये गंदी हो रही है यार। पार्ट्स में अगर हम जाएं भाई, मैंने पूरी ओवरऑल गाड़ी $335 की हो रही है पेंट, ये क्या चीज है, ये तो हो गई हल्की, ये हो गई डार्क, ये अच्छा ये गंदी हो रही है मेरे ख्याल से, बस और कुछ नहीं। तो सर्विस कौन करेगा इसकी, मेरा बाप, पेंट ऑल कार करते हैं, कलर भी हो गई, इसको धुलवाएगा किधर अपन भाई, वॉश यहाँ से होती है क्या, वो तो ट्यूनिंग वाला है, ये वॉश वाली भाई ये धोऊं किधर मैं। खैर मैं अपना इसको चला ही लेता हूँ तो ज़्यादा बेस्ट है, तो चलो अपन इसको भाई बैठ ना, अब पीछे लेके चलते हैं, और रिम वगैरह भी है भाई, तू गाड़ी धोता है, मेरे को नहीं लग रहा है धोता है भाई गाड़ी। 12 बॉस ये है कार सेटिंग, ओ कैम्बर भी भाई फुल ले रहा है, चेक ये अपनी मर्जी से कर देगा और पैसे काट लेगा मेरे, एंगल नहीं, ओए जज जियो जी जियो बाद में कराएंगे।
लाइटें भी होती है बॉस। ओह वाओ, ग्रीन नीली कोई सी भी करा लो। और मॉडिफिकेशन में क्या है, मिरर है आपके पास, लेम्बोर्गिनी वाले मिरर हैं, और सीट्स भी चेंज होती हैं भाई। वो फुल बकेट सीट बॉस, क्या कह रहे हो, विंडोज कौन सी टेंट करा देंगे भाई इसको, और क्या। और ये कौन सा ऑप्शन, स्टेयरिंग और तेरी बुगाटी का भाई, खैर। और व्हील्स भी है इसके, यार मैंने गाड़ी वॉश करवानी है, ये कहाँ से होगी भाई, बहुत महंगा सामान है, बाद में कराऊंगा तेरे से, तो मैं भाई अकेले बात करूंगा, तू बड़ा महंगा बंदा है बॉस, कुछ गुंजाइश कर लेगा, ये बता सकता गाड़ी की तरह से धुलेगी, मत बता भाई, मैंने गाड़ी वॉश करानी है यार, ये किधर से होगी, गाड़ी वॉश का तो है ही नहीं इधर। खैर इसको मैं यहीं रखता हूँ, और अब देखते हैं कि इसका सीन सपाट हुआ कार पैनल में, डर्टी यार ये धुलेगी किधर से धुलती है, पता नहीं यार, ये मेरे पास तो स्किल पॉइंट एक भी नहीं है। खैर हमें खुद शायद खुद ही धोनी पड़ेगी। अब हम लोग गाड़ी को बेचते हैं और हम लोग इसको लिस्ट करेंगे, और पिक्चर तो हमारे पास इसकी है नहीं, हम पिक्चर ले गए थे, तो हम इसकी प्राइस, मैंने ये गाड़ी ली, देखो बाय प्राइस सॉरी 24 ऑलमोस्ट 2500 है, एक्सपेंस मेरा इस पर हो गया 474, तो मुझे इस पर क्या प्राइस 3000, तो ये तो मैं इसको 5000 रुपये रखता हूँ, $5000 पहले वाली गाड़ी के भी तो करने ही है ना, तो पुट इट ऑन सेल, गाड़ी हमारी $5000 पर सेल पर है, और देखते हैं कस्टमर्स आएंगे कि नहीं भाई, बिग सेल लगी हुई है, बिग सेल। एक भी कस्टमर नहीं आया अभी तक तो। ओए अब बाजी आ रही है बोल भाई, रिचिक रिचिक करती हुई, जी बाजी, हाँ जी बाजी, ये गाड़ी मेरे पास है 5000, आई विल टेक अ मिनट, चल भागे यहाँ से, हट हट हट, बेचनी नहीं है तेरे को, $3000 लगा रही है, भाग यहाँ से, नहीं 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 बेचनी, डोंट सेल डोंट सेल। हाँ जी हेलो भैया, हाँ जी क्या चाहिए आपको, तू तो चला जा यहाँ से, भाग, 5000 की जाएगी या नहीं जाएगी पता नहीं यार, देख लेंगे, चली गई तो अच्छी बात है, नहीं गई तो फिर अपना ही वो है, क्या कहते हैं, फ़ायदा है। लेकिन कस्टमर बहुत देर से आ रहे हैं, तो मैं इसकी वैल्यूएशन वगैरह चेक कर सकता हूँ, मतलब इसकी मार्केट प्राइस क्या हो सकती है इस हालत में, बस गंदी हो रही है भाई, पेंट भी ओके डैमेज भी ओके, और क्या ही होगा इसमें, वैल्यूएशन तो नहीं आ रही है इसकी, है हम लोग बाहर आते हैं, एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, गाड़ी के प्राइस मुझे लग रहा है थोड़े बहुत कम करने पड़ेंगे, ओके हम लोग चलो चेंज करके देखते हैं, हम इसकी प्राइस रखते हैं अब, भाई चेंज नहीं हो रही, अब भाई रिमूव फ्रॉम सेल करते हैं इसको, ओके 45 रखते हैं अब, ओके कार फॉर सेल, पुट इट ऑन सेल, अब देखते कौन आता है। हाँ जी कस्टमर जी, उस वक्त तो साला फ्री में था तो तीन तीन आ गए थे, अभी एक भी नहीं आ रहा है, आ जाओ मेरे भाई, पता नहीं किधर रह गए, मैयत पे तो साले बिरयानी खाने फौरन आ जाते हैं, कारोबार बढ़ाने नहीं आ रहे। क्या टाइम हो रहा है भाई, शाम के 4:30-5 बजने वाले हैं, और अभी तक एक भी कस्टमर नहीं है मेरे पास, मैं मुझे लग रहा है मुझे शोरूम पहले दिन ही बंद करना पड़ेगा। कस्टमर ही नहीं आ रहे, ओए बाजी आई, बाजी आई, हेलो बाजी, जी एंटी जी, गलत पैसे ही लाओ, मार डोंट सेल, भागो यहाँ से, पहले भी आई थी इसे, ओ ये आंटी को ले लेंगे इनको तो, भागो पागल बना सकता है इनको, क्या पता गाड़ी होगा। आंटी ऐसी बातें मत करो, ₹1000 तोड़ रही है, मत करो ऐसी बात, ऐसे देखा जाए तो मुझे भी इस पर भी प्रॉफिट ही है, मुझे 500 कुछ का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैं इसको भी नहीं सेल करूँगा, मुझे भाई कम से कम 4000 तो दो यार, मुझे और भी गाड़ियाँ लेनी है, एक ट्रायल में ही मेरे को ये ₹2000 घुस गए, ये अपना ऑफिस में मुझे डेकोरेट करना है, फिर इतना महंगा सामान है, समझ रहे हो ना, मार्केट बहुत भाई बहुत महंगी हुई हुई है यार, मतलब तो इस वजह से ना,
इसको मैंने खड़ा हुआ तो सही करा हुआ है ना, या मैं इसको थोड़ी बहुत चेंज कर दूँ इसको, है थोड़ा बहुत चेंज कर दूँ? अभी तो सेल पे लगी है, मैं इसको चला नहीं सकता हूँ। लेकिन वो किधर है गाड़ी धोने वाला? ओए जंक यार्ड में जाके हम लोग कोई सामान लिख सकते हैं क्या? कस्टमर नहीं आया जब तक मैं और देख लूँ। ओ गाड़ी अल्टर कर रहा है लौंडे, कस्टमर आ ही नहीं रहे। मैं भी उधर गश कर सकता हूँ खाली। जंकी आर्ट में क्या है बॉस? बॉस क्या सामान वामान देते हो क्या बॉस? यू हैव नॉट मेटल, ओके ये मैं इसका सामान इसी को उठा के बेचूंगा। ओए ये क्या ट्रैश है ये तो, ये अपने किसी काम आ सकता है क्या? वाह $15 मिले। अबे ये सही है यार, मैंने बिलावजा में वो अपनी ऐसी ढांचे वाली गाड़ी में कचरे में फेंक दी, इसको भेज देता मैं। अरे कस्टमर नहीं आ रहा भाई, एक भी नहीं आ रहा, खैरियत तो है। लग रहा पैसे कम करने पड़ेंगे भाई, और 4,000 रुपये कर देता हूँ मैं यार, इससे ज़्यादा मैं कम नहीं कर सकता। अब वेब पेज में जाएँ और हम लोग यहाँ पे फिर हम लोग इसको अगेन, भाई इतना इतने गरीब लोग रहते हैं इस एरिया में, कहाँ मैंने शोरूम खोल लिया, फ्री में लगाई थी साले, 3 दिन फ़ौरन पहुँच गए थे। अब देखता हूँ कौन आता है। बैठ जाऊं क्या? बैठ भी नहीं सकता हूँ, अलाउ नहीं है मुझे बैठना। भाई किधर हैं लोग, आ ही नहीं रहे हैं। बॉस बॉस किधर गए? बॉस किधर है बॉस? किधर मरांदा पे आए कि शोरूम तो देखो साला, ऐसा लग रहा है किसी ने लेस का कार्टन फाड़ के रख दिया हो यार। एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, मतलब वो क्या है, कार ऑक्शन? चलो वहाँ चलते हैं, तो कस्टमर नहीं आ रहा है ना, शोरूम तो बंद ही है, गाड़ी कौन लेके भागेगा? आया क्या कोई? कोई भी नहीं आ रहा। ओए रात हो गई भाई, अबे रात हो गई, कार ऑक्शन भी बंद हो गया, मुझे भी घर जाना पड़ेगा। चलो भाई घर चलते हैं, घर चलते हैं भाई, घर चलते घर, रात हो गई, मैं सुबह आऊँगा, मैं थक गया भाई, घर चलो भाई, कंटेनर चलो। ओ पैसे कट गए, मुझे ऐसे ही लग रहा पैसे कट। ओ दरवाज़ा नहीं बन गया था, मैंने सो रहा हूँ, ये देखो -49 पे चल रहा हूँ आज मैं। अरे न्यू डे लोडिंग हो रही है, और देखते हैं अब हमारी गाड़ी बिकती है या नहीं। मॉर्निंग हो गई है और कंटेनर का दरवाज़ा अब की बार मैं बंद करना, तेरी माँ की आँख, बंद करना नहीं भूलूँगा और ना भूला हूँ। ओके हमें जाना है ऑफिस। कस्टमर नहीं आ रहे ना यार, क्या टाइम हो रहा? सुबह के 7 बजे ना, देख। अबे ट्रैश, मैंने अपना शोरूम बंद ही नहीं करा था, ज़बरदस्त, वेरी नाइस, ऐसे होता बिजनेस। यू हैव स्किल पॉइंट, ओके स्किल पॉइंट क्या? मैं स्पंज का करूँगा बॉस, लाए की मिला था। यार क्या है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कार ऑप्शन जो है शाम के 4 बजे स्टार्ट होगा। भाई क्या करूं मैं, ऐसे ही बैठा रहूं? बुध का दिन हो गया, तीसरा दिन है, एक भी गाड़ी नहीं बेची अभी तक। कैमरे में आ रहा हूं, अभी चेक करता हूं तुम्हारी माँ की आंख। तुम लोगों को गाड़ी लेनी नहीं है मेरी, मैं इतनी बेकार गाड़ी बेच रहा हूँ क्या? कोई पूरी रिपेयर करके बेच रहा हूँ यार, 3500 पुट इट ऑन सेल। ओके अब कोई आएगा, देखते हैं। ए बाय, हेलो, कोई भी नहीं है भाई, कस्टमर ही नहीं है। तुम लोग कह रहे हो कि यार ये गेम खेलो, चुतिया पे का गेम है, मतलब सीरियसली मैं तुम लोगों को एक ऐसा गेम खिलाऊंगा ना जो मैं बैकएंड पे खेल रहा हूँ, तुम लोग मानोगे नहीं। ओए कोई आया क्या? कस्टमर इन द ऑफिस, ऐसे गेम में खेलता नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम लोगों के चक्कर में खेल रहा हूँ। इसको भेज दूंगा भाई, सही पैसे लगा लेके यार, मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं, इतने की तो मेरे को पड़ी नहीं है गाड़ी, भाग गया ऐसे, पैसे बढ़ाऊंगा ना लोग तो भाई फिर ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऑफरें देंगे। 45 ही रखूंगा, इसी पे सही ऑफर आ रही थी मुझे।
दो घंटे भेजते रहे, नाश्ता भी नहीं करा बॉस, गाड़ी बिक गई तो फिर कुछ चाय पराठा अंडा पराठा खाए जाकर। भैंस की टांग मैंने कौन सी गाड़ी ले ली है, कस्टमर भी नहीं है ना गाड़ी है, तुम करी तो करी क्या, पैसे कटते क्या? अबे हाँ पैसे कट रहे हैं भाई ट्रैवल करने से, मुझे इतना तो पता लग गया। $10 है ना टिकट प्राइस, मैंने पहले पढ़ा ही नहीं है। और कार ऑक्शन में तो देखूं यार क्या सीन सपाट है, कस्टमर पे नजर रखो कस्टमर पे। वो ये तो बन पड़ा हुआ है अभी, इससे पता करता हूँ सीन क्या है भाई। रे है ये क्या, डॉज रिवर, अले क्या टिकट, टिकट मिज़्दा X7 मिज़्दा। 4 बजे स्टार्ट है, अभी तो 6 घंटे हैं इसके पास। कस्टमर कस्टमर जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल जल्दी, नजर तो नहीं आ रहा मुझे यहाँ से, उड़ उड़ भाग, ये कहाँ है किधर है? हाँ वो खड़ा हुआ पतला सा, वैसे मैं भी पतला ही हूँ। हाँ जी बॉस गाड़ी लाइए आपको, कितने की चाहिए? गाड़ी में कोई खराबी नहीं, सिर्फ गंदी हुई है सर, धोएंगे और एसी भी ओके बिल्कुल फिट है, गैस जलवाने की ज़रूरत है। ले जा अ ले जा ओ ले जा जी ले जा ले जा। हाँ चलो ये करा को यहाँ से नहीं है गाड़ी, 6,119 रुपये अपने पास। अब इसमें से $10 लगाएंगे हम लोग नेबरहुड जाने पर, और फिर वहाँ से कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं। शुक्र वो कोई कार मार्केट चल के तो देखें क्या सीन है, वहाँ पर कौन सी गाड़ियाँ कहाँ है, ये तो खाली पड़ी हुई है। 10 रुपये ज़ाया होगा, नेबरहुड ही चल लो। खैर नेबरहुड आ गया, सामने एक गाड़ी है मेरे और पीछे भी एक को गाड़ी है, वो 2 डोर है। ये कौन सी भाई, दोनों एक जैसी लग रही है मुझे तो, फियाट लग रही है तो मुझे फियाट। भाजी ख्याल करो $15,000 क्या कह रही हो, वो है ब्लैक गाड़ी कौन सी है, BMW। बॉस क्या कह रहे हो गाड़ी के, 2 ओए तो शरार्ट लग रही है भैंस के टांग, 88 2008 मॉडल है ओके, फियाट पांटा ये है। ओए ले जी देओ देओ देओ, बहुत सस्ती दे रहा है। हाँ दे 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 दे, किधर गई गाड़ी, यहीं रख जरा मैं आगे पीछे। ओए हम लोग और इस पे जरा इसी गाड़ी पे हम लोग आगे पीछे सर्चिंग कर लेते हैं। ओए तो भाग रही है व्हील स्पिन, ओ भाई ओ हो हो खैर बड़ी भाई खतरनाक गाड़ी है बॉस, बड़ी खतरनाक गाड़ी है बॉस। कितने का बेच रहे हो डाला, सब्जियाँ उठानी है और क्या हो गया डाला, ये देख 2000 की गाड़ी खरीद के लाया तू ट्रक बेच रहा है, ये तो क्या इस वो लग रही है नई वाली जो किया है महंगी, 26,000 रुपये क्या कह रहे हो यार। चलो अपन कहीं और चलते हैं, अपनी मस्त गाड़ी में बैठते हैं। ओए हटो, गाड़ी चलती मस्त है, ड्रिफ्ट है देख रहे हो कैसी मार रही है, वार्ड मार देगी। अब देखो ये फुल 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 ये भाई ये ड्रिफ्टिंग ये भाई ये ड्रिफ्टर बनाई हुई थी लॉन्डे ने, ये मैं सोचो अपनी पर्सनल की रख लूँगा लेकिन मुझे इसके लिए पैसे बड़े लगाने पड़ेंगे इस पर। ओ एक छोटी गाड़ी, वाह देख रहे हो स्टाइल देख रहे हो भाई का, चैम्पियन है ये तो, पिकांटो है भाई। कितने पैसे किए बॉस, अब क्या हो गया यार इतने पैसे यार, भाई कुछ गुंजाइश कर ले यार, मेरे पास 3,000 रुपये कुछ पड़े में ले ले, मेरे को लग रहा है मानेगा नहीं। खैर अपन कोई और गाड़ी देखते हैं, मेरी शपाटर गाड़ी तो वहीं खड़ी हुई है। और मैं आया किधर से, मैं इधर से आया था, और आगे चलते हैं अपन, ट्रक कौन लेगा गाड़ी देख रहे हो, फुल 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 इसकी बहन धमाके मारती है भाई धमाके। ओ ये गिरी स्टाइल से होता सारी गाड़ियाँ बेचने की। ओए ये तो बहुत महंगी होगी बॉस, ये कौन सी है, ये BMW लग रही है मुझे कोई। बाजी कितने की है बॉस, 16,000 रुपये कुछ कम पैसे यार ज़्यादा मांगो। ओए ये तो कैम्बर हुई भी है, कितने पैसे हैं भाई ठाटरे के, 1992 के 9,000 रुपये इस ठाटरा के दूँ मैं, व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन। मैं गाड़ी में बैठूं और फिर अभी कोई और देखूं, मुझे लग रहा है मुझे सिर्फ एक ही गाड़ी लेके दोबारा जानी पड़ेगी भाई। इधर गाड़ियां बिक रही हैं क्या? नो ओ हो ठंड लग रही है,
अबे इसका व्हील एंगल कुछ ज्यादा ही नहीं है। खैर, और अबे ऑक्शन भी निकल गई होगी गाड़ियों की, अपने तो खैर वर्थ में नहीं थी। फुल 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 ये मार के यार, साला राइडर हूँ, कोई बीच में आएगा उड़ा दूंगा कट मार के। ओ ओ देख लो ये फुल फुल थोड़े लग गई गाड़ी, लग गई राइट फेंडर बहुत डैमेज, और खर्चा आ गया, और खर्चा आ गया जी, और खर्चा आ गया। ये इधर ड्रिफ्ट मारूंगा भाई ये। ओ जी ये मैं कहाँ आ गई, ये क्या है यार, ये वो है ना रेड बार। ओए ये आ जाओ जी आ जाओ, ये फुल स्टाइल में एंट्री मारूंगा। कोई अपनी टक्कर का नहीं है इधर, आई ना समझ। हाँ ये किसकी एफएक्स खड़ी हुई है, हाँ ये किसकी मेहरान खड़ी हुई है। हाँ जी क्या सीन था पार्ट है, क्या कर सकते हैं हम इधर, गेम खेल सकते हैं। ओए ओए प्ले क्या, पैसे जीतने, पैसे पैसे ₹5 लगाऊंगा पहले, $5 स्टार्ट। क्या करना है, ये मैंने खेला नहीं है बॉस कभी। हिट, मैं जीता क्या, और ये ऐसे 10 हो गए, अब मैं लगाऊंगा 25 स्टार्ट। ब्लैक जैक है मेरे पास, मैं जीत गया। ओ भाई यार बे, अब 50 लगाऊंगा। हिट, ओए यो क्या कह रहे हो, $100, अब 100 लगाऊंगा। स्टैंड रहते नंबर छोटे आए, हिट पे जीत रहा हूं मैं, 500 लगाऊंगा, दिमाग शार्ट हो गया मेरा, हिट करूंगा, हिट करूंगा। मैंने नहीं खेलना यार, मैं जा रहा हूँ। ओके बॉस, ये कौन सा गेम है, तुम भी चेक करो, तुम नहीं खेलते, मैं जा रहा हूँ। और कुछ, ये क्या, ये क्या बेच रहा, और पैसे किस चीज़ के कट रहे हैं, और दुकान बंद हो जाएगी मेरी। चलो गाड़ी में बैठो, मेरा शोरूम खुला पड़ा है बॉस। ये फुल अपनी राइडर वाली गाड़ी पे, ये फुल, ये शोरूम किधर है अपना, भाई शोरूम तो मुझे याद ही नहीं है। ओ बोरा बोरा दिख गया दूर से ही नजर आ। ओ कार वॉश, अरे कार वॉश तो इधर है, अच्छा सर्विस स्टेशन पे होती है यार, मैं कैसे बोल सकता हूँ। चलो गाड़ी धुलवाते हैं, ये धुलेगी किधर से, किधर से धुलेगी, ये बंद हो गया क्या। हेलो गाड़ी कौन धोएगा, दुकान में भी कोई नहीं है भाई। और ये तो भाई धुलेगी कैसे, बाद में धुलवाऊंगा, अभी तो धुल ही नहीं रही है। चलो अपने शपाटर को लेके निकले फुल, भाई ये ड्रिफ्टिंग मारते जाइए, ये फुल फुल फुल। ये टो ट्रक वाला है, बाद में सर्विस लेंगे कभी इससे। लाइट तो खोलूं, आ गया भाई मैं आ गया, ये स्टाइल में खड़ा करने का गाड़ी को। चल भाई उतर जा, गाड़ी देख रहे हो भाई की फिर अंडा शराड कैसी है, हैं खतरनाक गाड़ी माँ की आँख। बस अब मैं जा रहा हूँ सोने, और यहाँ पे वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। कस्टमर्स नहीं आते भाई इसमें, बहुत पंचायत है। तुम लोगों को वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी देख लेंगे अगर तुम लोग बोलोगे तो और सीरीज इसकी कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।